हम आ गए हैं बायोलॉजिकल पार्क, नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आ गए हैं आज। और यहाँ आज हम देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स को, और देखते हैं, चलते हैं, इसकी सफारी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं। इसका वैसे मैं आपको बता दूँ, इसका टिकट है 50 रुपीज़ एंड पार्किंग चार्ज है 30 रुपीज़ अगर आपके पास टू व्हीलर है, और फोर व्हीलर है तो उसी का उसका भी सेम ही है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर का। और सफारी अगर आपको करनी है तो उसका अलग, लायन सफारी, एलिफेंट सफारी करनी है तो उसका अलग चार्ज रहेगा, उसका 3500 है। बाकी हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको भी। इसमें एनिमल्स का वो लिखे हुए हैं पूरा, गाइड मैप ऑफ नारगढ़ जूलॉजिकल पार्क। तो चलते हैं। फिलहाल तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, कुछ तो दिख जाओ। अरे यार, सच में देख लिया इधर, अब आगे दिखा दिया है आपको भी। देखो कितना शांत से बैठा है, और इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। इधर तो फिलहाल ये एक ही है, और इधर उधर गए हम भी तो पता नहीं है। अब चल, और अब चल रहे हैं हम। कितना ऊपर ऊपर बाउंड्री कर रखी है इनके। एंड देन लिखा हुआ है स्लोथ बियर। कहाँ पे है? ओ बियर इधर है। तो गाइस यहाँ पे है इधर बियर, और हमें दिखे बियर, और ये देखो कैसे खोद रहे हैं अपने उसको, पैरों को कैसे कर रहा है वो। एक तो मस्त चल के आ रहा है। ओ बड़े क्यूट लग रहे हैं ये। ये आ गया, ओ ये किसके ऊपर इधर आ गया। तो यार इनकी फाइट हो गई यार, ये एक के ऊपर एक इधर आ रहे हैं। ये देखो, ये देखो इधर बैठ गया अभी ये। ये देखा, ये तीन एक साथ ग्रुप में, और
ये इधर इसको अभी भी गुस्सा आ रहा है दूसरे वाले को, ऐसा देख रहा है ये। ये तीनों का ग्रुप, ये एक अलग ऐसे गुस्से से घूर रहा है वो। तो गाइस हमारा सेकंड एनिमल इधर बियर, तो ये भी देख लिया है, स्किन की फाइट ली थोड़ी बहुत, देख ली इनकी मस्ती फाइट जो भी थी। तो तीन का ग्रुप इधर बना हुआ और ये एक अलग पीछे से अलग से आ रहा है। ये देखो तीन, ये तीन अलग घूम रहे, वो बेचारे को अलग छोड़ दिया उसने। इधर आ गए, इधर आ गए, अब पास में आ रहे हैं। ये देख रहे हैं इस विंडो में से कोई तो दिख जाए इनको, इनके पड़ोसी। ये देखो यार बड़े क्यूट है ये, इनके फर ये देखना कैसे देख रहे हैं। चलते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं आगे। तो हमें भालू तो हमने देख ही लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी डाइट वगैरह, ये क्या क्या मतलब सब कुछ, इनका साइज वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग इनका यहाँ पे मेंशन है भालू का। तो अब चलते हैं आगे, इनका यहाँ तक साइंटिफिक नेम वगैरह सब कुछ है। ओके अब आ गई है क्रोकोडाइल की बारी, आगे है क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल के पास चलते हैं हम। क्रोकोडाइल मगर, तो आ गए हैं हम मगर के पास। अगर मगर किधर है, ओ ये इधर है, इधर सो रहे हैं। ठीक है यार, ये कैसे सो रहा है ये, तो देखिए ये तो मस्त आराम से इसकी तो नींद निकाल रहा है। और बाकी के है पॉन्ड में, तो पॉन्ड में मैं आपको दिखा बताती हूँ। और एक उधर वो देखिए उस साइड में, देखिए उस साइड में ये, कितने आराम से ये नींद निकाल रहे हैं। इनको देख के यार मुझे वो आने लग गई है। और बाकी देखो दो उधर है, मस्त तरीके से सो रहे हैं। अब चलते हैं हम आगे। ये ऐसे लेटे रहते हैं अभी इधर, देखो ये बच्चे इधर घूम रहे हैं, इधर बच्चे इधर आ रहे हैं। और इधर से आप इस में इसमें भी आप बैठ के भी पूरा आप इसकी देख सकते हैं आप। और इधर से ये लोग देख रहे हैं। और अब अपन आगे चलते हैं, और आगे चल के मैं आपको और दिखाती हूँ। तो यहाँ से अब कर चलने का आ गया है वक्त, और अभी चलते हैं। और ये देखिए इधर क्या बना हुआ है, तो इन्होंने बताया है। तो गाइस ये आप देखो स्मूथ कोटेड ओटर, ये देखिए इसके बारे में। तो ये यहाँ पे सब देख लें, उसके बाद में हम देखते हैं। और ये इधर ये बहुत भीड़, गाय उसको पैक तो ऐसे कर रखा है, लेकिन यहाँ तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। ए बूस, और इसको साइंटिफिक नेम
इसका डाइट, साइज, लाइफस्टाइल, कंजर्वेशन स्टेटस, सब कुछ इसमें ही यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ अच्छे से, तो गाइस यहाँ पे इसका एमओ का पूरा डिटेल दिया हुआ है इसके बारे में, इसकी साइज, इसका वेट, इसका ये कितने लाइफ स्पैन, सब कुछ दिया हुआ है। 20 ईयर इसकी लाइफ होती है। तो ये पूरा है, अब आगे चलते हैं और दिखाती हूँ। इंडियन फॉक्स की तरफ, तो ये तो है अंदर, ये तो अपने अंदर गई हुई है, दिख नहीं रही हमें यहाँ पे। अरे यार तुम लोगों को हम लोग देखने आए हैं, तुम बाहर तो निकलो, बाहर का दिख ही नहीं रही हो। तो ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, और इन्होंने इस टाइप का ये जैसे ये बना रखा है, इन्होंने ये खड्डे बना रखे, इसमें से निकल अंदर चल जाती है शायद ही। तो इन्होंने ऐसे ऐसे बना रखा है, लेकिन ये हमें यहाँ पे फॉक्स नहीं दिख रही है। और अब इधर, तो यहाँ पे ये भी नहीं दिखा। आई थिंक इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, ये नहीं है ना। तो ये दिख गई है हमें जंगल की। जंगल गेट देख लिए और दिखा भी दिया, अब आगे चलते हैं। अब यार यहाँ तो इतनी भीड़ थी, नहीं तो इसकी आवाज निकालते कि इधर पास में आती क्या। गाइस आज तो अच्छे से हो रही है हमारी वॉक, और साथ में हम लोग कर रहे हैं, डिटेल बताने वाली, पूरा डिस्क्रिप्शन बताने वाली, इसका क्या है क्या नहीं, पूरी डिटेल से आपको बताऊंगी। बस होना ये चाहिए कि वो जो भी हम एनिमल देखने जा रहे हैं, जो भी आगे वाला एनिमल आने वाला है, वो हमें दिखे। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे हो ही नहीं, सिर्फ बोर्ड लगा हुआ हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब तो चलते हैं हम, यहाँ सब लोग देखते हैं क्या है। तो ये लिखा हुआ है, तो अब हम जा रहे हैं आगे पोरकम्पिया पीना देखने। पोरकम्पिना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, और अब देखते हैं ये दिखता है हमें या नहीं। यहाँ पे, अरे हे ये तो दिख गया है फाइनली हमें। ये साइड में एक छाया में सो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। अरे यार इसको तो मैं इंतजार ही कर रही थी जंगली सूअर देखने का। ऑब्वियसली ओमनीवोर है, इसकी डाइट तो लार्ज साइज। यार ये तो मुझे पता है ये बहुत खतरनाक होता है। तो आते हैं इनके पास, इधर आना। ये तो इनके लिए बहुत छोटी सी जंप है, यूं लगाने थे ये जंप। तो ये देखिए, तो ये है जंगली सुअर।
देखने की कोशिश कर रहे हैं और उधर उनका नॉनवेज उनका खाना उधर रखा हुआ है। आहा उठ रहे हैं, उठने की कोशिश है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही जंगली सुअर है यहाँ पे। खा पी के अभी हम लोग इस टाइम पे हैं, इनके रेस्ट का टाइम हो रहा है अभी। जॉन अब देख रहा है और देख रहा है अभी थोड़ा सा देखने पूरा देख रहा है अच्छे से, बट ये अब ना लोगों मतलब वो फ्रेंडली हो गया है। तो यहाँ पे है स्पॉटेड डियर जो कि आप देख सकते हो, और साथ के साथ ही बंदर भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे हिरन प्लस बंदर आपको दोनों दिख रहे हैं, और बंदर तो हमें नजर आते रहते हैं, लेकिन ये अभी इन्होंने इतना गौड़ कर रखा है ना, इनके पास इतना दूर से देख ही नहीं पाते। अब देखो ये इधर आने से बट ये हमारी पूरी सेफ्टी के हिसाब से इन्होंने कवर कर रखा है। तो यार ये उधर छाया में पूरा कितने आराम से बैठे हैं सारे के सारे, जितने भी हिरन है पूरे उधर हैं। तो गाइस आपको आज देखने को मिली है लंगूर और हिरन की दोस्ती। अब चलते हैं हम आगे और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट एनिमल। और नेक्स्ट एनिमल आ गया है इधर, नेक्स्ट एनिमल है बार्किंग डियर। ये देखिए और इससे छोटे छोटे भी है, बड़े भी है। इनको छोटे वाले वालों को अलग सेक्शन में कर रखा है, बड़े वालों को अलग सेक्शन में कर रखा है। और उस साइड में है बड़े वाले, तो हम उधर भी चल के देखेंगे अभी। वाह कितने पास से देख पा रहे हैं इस डियर को, और ये अच्छे से कितने अच्छे से फोटो क्लिक करा रहा है, वीडियो बनवा रहा है ये। ओह अब इसने करना है, मैं इस साइड से नहीं इधर से दिख रहा हूँ, और एकदम ये पूरा वो हो गया है। ये देखिए ये पूरी फोटोशूट के लिए रेडी है। तो ये अभी हमने देखा है सांभर डियर, और अब चलते हैं आगे की तरफ। छोटे और इधर आए देखिए, इधर आप इधर देख सकते हैं छोटे वाले को, बिल्कुल जो बहुत छोटे हैं उनको अलग सेक्शन में डाल रखा है, और जो बड़े हैं वो ये इधर से लग रहा है बिल्कुल आर्किटेक्ट वाला। आई थिंक उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको देख के ऐसा लग रहा है आई थिंक ये बूढ़ा हो चुका है। तो ये इधर देख सकते हो और उधर भी देख सकते हो। और जो बहुत छोटे हैं इसमें से बहुत छोटे में से एक ही इधर है, बाकी सब उधर है। उधर तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, और वो तो अपना उस साइड में, अभी मैंने आपको जैसे कि दिखाया कि ये तो बहुत अच्छे से फ़ोटो क्लिक करवाया था, वीडियो बनवा रहा था, एकदम हाइपर गुस्से से ऐसे देख रहा था पूरा अच्छे से पोज़ देके। अभी एक इधर है पानी, इधर से उतर के इधर आ गया है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब ये इधर से उधर नहीं आ सकते क्योंकि इन्होंने पूरा सेफ्टी के चक्कर में इन्होंने पहले ये देख लिया इनको। अब गाइस और इन्होंने पता है यहाँ पे सभी के जहाँ पे भी अपन जाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एकदम स्लोप दे रखा है नीचे, जिससे कि सेफ्टी के लिए कि वापस जंप करके हमारे घर नहीं आ सके। देन अब चलते हैं आगे की तरफ और बताते हैं। तो ब्लैक बक के पास आ गए हम, और ब्लैक बक को हम कृष्ण मृग बोलते हैं, एंड साइंटिफिक नेम इसका एंड लाइफ स्पैन 10 to 15 ईयर है। तो ये हम देख सकते हैं अब आगे, ये भी हर्बीवोर है।
इनको देखना, इसका इसकी सिंग देखना, बहुत ज्यादा स्टोर के देखना कृष्ण वगैरह मृग इनको शायद इसलिए बोलते, एक बार इसको बहुत देखना कितना प्यारा लग रहा है। और इससे भी ज़्यादा वो ब्लैक वाला बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो भैया के घोंसले बना रहे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर, हमारे गांव में बहुत सारे होते हैं ये। यार आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो इसको भैया बोलते हैं, भैया या भैया ऐसे कुछ बोलते हैं। पक्षी रहता है, बर्ड रहता है, उसका ये रहता है, और उधर सो रहा है चीता। तो गाइस इधर सो रहा है टाइगर। यार इनको ना आज कुछ आने का मतलब इधर देखने का मन ही नहीं है, सबका सब सो रहे हैं। ऐसे टाइम पे हम लोग आए ना, जिस टाइम पे सब लोग सो रहे हैं, वो भी इतना दूर जाकर सो रहे हैं, और इधर से बच्चे आवाज लगा रहे हैं, चीता चीता इधर है ना। यहाँ पे बच्चे आवाज लगा रहे थे, इतने सारे बच्चे थे और वो सब आवाज लगा रहे थे चीता चीता, जैसे उनको देख के चीता उड़ जाएगा और आ जाएगा हाँ मैं आ रहा हूँ। तो इधर से भी गाइस यहाँ तो सब बैठे हैं, इतने दूर दूर डिस्टेंस पे बैठे हैं और सोने का काम कर रहे हैं, तो पास तो आ ही नहीं रहे, पास तो सॉरी तो पास में है नहीं, पास से मैं दिखा नहीं पा रही उनको। अब चलते हैं हम आगे और आगे की तरफ देखते हैं। तो अब देखते हैं कौन सा एनिमल दिखने वाला है, ये तो हमारे लिए भी सस्पेंस है और आपके लिए भी सस्पेंस है। और ये सबके अंदर इन्होंने घर बना रखे हैं, ये अंदर भी चले जाते हैं, ये अंदर चल जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। तो ये भी आए ना अंदर चले गए और कुछ तो बाहर सो रहे हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ये लोग धीरे धीरे करके सब आए ना अंदर चले गए। तो ये आज ये चीज़ हो रही है हमारे साथ। क्या हो रहा है आज सब जानो? अरे यार इधर देख लो, इतनी दूर हो यार तुम, पास नहीं आ रहे तो कम से कम इतना। अरे हाँ यार, एक का इस हायना का हाथ कटा हुआ है बेचारे का। हाँ ये देखना कैसे वो चल रहा है। अरे यार उधर भी है, उधर बड़े बड़े हैं। इनके लिए एक गेट खुला है और बाकी सब बंद है, इधर से ही अंदर चल जाते हैं बाहर आ जाते हैं। और एक का बेचारा बहुत
लिए आप तैयार हो जाइए, और हो सकता है भेड़िया अंदर हो। अरे ये रहा, दिख गया दिख गया। अरे क्या बात है, ये तो स्लोप के ऊपर है। तो यहाँ आते आते हमें दिखे दो भेड़िए। यार इनका क्या है कि इनका रूम बना हुआ है अंदर, तो ये इसमें चल रहा है। यहाँ से यहाँ का व्यू स्टेप का दिखता है, देखो कितना प्यारा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये बैठने का है और उधर है, तो मैं इसका चारों तरफ बताती हूँ। और ये साइड में भी देखिए, ये देखिए, ये स्टेप से बना हुआ है। और यहाँ आके आप यहाँ के व्यू का मजा ले सकते हो, बैठ सकते हो जैसे कि मैं। तब चलते हैं हम नीचे इसकी लकड़ी की स्टेज से ही। हमारे ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरी वीडियो को जल्दी से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू।